ये वो तबाही का मंजर है जो आए तो केदार घाटी में है, लेकिन दर्द में पूरा उत्तराखंड है, क्योंकि बादल फटने से केदार घाटी का एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ जाने का रास्ता तबाह हो गया है। अब हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें एसटीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को रस्सी के सहारे दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग में, केदारनाथ जाने वाला मेन हाईवे, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी तबाही हुई है। और वो देखिए, पूरा का जो पूरा हाईवे है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे आए और पूरी सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है ऊपर की तरफ पहाड़ी के रास्ते से, क्योंकि सड़क का रास्ता बंद हो चुका है, दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसे में पहाड़ी के रास्ते इन सभी को नीचे लाने की कवायद चल रही है। ऊपर देखिए, रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पैर अगर ऐसी जगह पर पड़ गया कि पत्थर नीचे खिसका तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए बड़ी हिम्मत से और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को निकालने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जरिए की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन करने आए थे, जिनमें से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या ऐसे श्रद्धालुओं की है जो फंसे हुए हैं। केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई लोग जो हैं वो सुबह के वक्त आप देखिए ऊपर से नीचे लाए गए। कहाँ से आए भैया? ऊपर गौरीकुंड से भाई। गौरीकुंड से? बहुत बुरे हाल है ऊपर। क्या हाल है, किस तरह के हालात है? बिल्कुल, वहाँ तो कम से कम 150-200 घोड़े साफ है और बंदे बहुत सारे। अच्छा, और ऊपर कितने दिन से फंसे रहे? अपने 6 दिन से उधर ही फंसे हैं। 6 दिन से? तो आप लोग वहाँ क्या दर्शन करने गए थे या काम करते थे? उधर काम करते थे ऊपर। अच्छा, आप कहाँ काम करते थे? ऊपर गौरीकुंड के ऊपर। गौरीकुंड के ऊपर? तो ऊपर पूरा रास्ता खत्म हो चुका है? रास्ता बिल्कुल खत्म, महीने भर के लिए बंद है अभी रास्ता। पैदल से तो बहुत मुश्किल है, यहाँ से जैसे निकाले वैसे रास्ते रास्ते निकाले, जो भी लोकल है वही निकल पा रहे, यात्री तो निकल नहीं पा रहे पैदल। वहाँ अभी कितने लोग फंसे हैं? बहुत है, अभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, आने नहीं दे रहे ना, उसे सबको साथ में। खाने पीने का सामान है उनके पास? खाने पीने का भी मुश्किल लग रहा है, होटल वाले को तो होंगे, अब यात्री लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर। वहाँ कोई होटल सारा बंद करके सब लोग निकल के भाग गए वहाँ से। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान हैं। उत्तराखंड के ऊपर किस तरह का पहाड़ टूटा है उसे इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। पहाड़ियों के बीच जमा हुए मलबे में बचाव दल की टीम उन शवों को ढूंढ रही है जो बादल फटने के बाद बह गए थे। केदारनाथ में 150 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं मिली है। वहीं शासन से लेकर प्रशासन सबकी नजर केदारनाथ पर है। फंसे हुए लोगों को लाने के लिए लगातार वायुसेना का भी सहारा लिया जा रहा है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 मुस्तैदी से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। दरअसल बुधवार रात करीब 9:30 बजे लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटा था, जिससे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का रास्ता बह गया था। लेकिन बड़ी तबाही उन पत्थरों ने मचाई, जिसने रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब तक 7,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लोग तो बाल बाल बचे।